की कोशिश करो, एप्लीकेशन ऑफ फॉरवर्ड बैच टू पीएन जंक्शन। अगर हम लोगों के पास पीएन जंक्शन है, अगर उसको मैं फॉरवर्ड बैच से कनेक्ट करता हूँ, उसको बैटरी से कनेक्ट करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो वो क्या होगा फॉरवर्ड बैचिंग में? वाइडन द डिप्लीशन लेयर। बिल्कुल गलत बात है, देखो ऐसी बातें नहीं करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से ये डिप्लीशन लेयर है, ये पीएन जंक्शन है, डायोड है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा होल रहते हैं ऐसा बताया जाता है, और ये यहाँ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहते हैं, होल कम रहते हैं, ठीक है। तो जब आप फॉरवर्ड बायसिंग का कनेक्शन देते हो, इधर से प्लस कनेक्शन करते हो, ये जो टर्मिनल है प्यारे बच्चों, ये प्लस बैटरी से कनेक्ट करोगे, और ये निगेटिव टर्मिनल निगेटिव से कनेक्ट करोगे, तो ये जो डिप्लीशन लेयर होता है वो थीन हो जाता है। डिप्लीशन लेयर बिकेम थीन, ऐसे समझ सकते हो कि ये बैटरी इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे पुश करेगी, तो इस तरह से डिप्लीशन लेयर कनेक्शन के बाद थीन हो जाता है, कनेक्शन के पहले थोड़ा चौड़ा रहता है, बड़ा रहता है। तो वाइडन डिप्लीशन लेयर, ये बिल्कुल गलत बात है। इंक्रीज द पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस द डिप्लीशन लेयर। अब ये पोटेंशियल बैरियर किस चिड़िया का नाम होता है? देखो पोटेंशियल बैरियर, जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, बहुत सारे होल इधर जाएंगे, कंसंट्रेशन की वजह से, जब बैटरी कनेक्ट नहीं है, समझना, बैटरी कनेक्ट नहीं है, तो बैटरी कनेक्ट नहीं, कंसंट्रेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, तो यहाँ एक होल की लेयर बन जाती है, वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होकर इधर गए हैं और यहाँ एक दूसरे को जाकर न्यूट्रलाइज कर दिए हैं, और यहाँ एक निगेटिव की लेयर बन जाती है क्योंकि होल्स इधर चले गए हैं, होल्स इधर चले गए हैं। कुल मिला के समझने की कोशिश करना, तो यहाँ से जो पोटेंशियल बैरियर, ये प्लस और ये माइनस, तो ये जो प्लस माइनस वीबी जनरेट हो गया ड्यू टू डिफ्यूजन की वजह से, बैटरी कनेक्ट नहीं है तो ऐसे डिफ्यूजन की वजह से, जैसे इधर 1000 लोग थे, एक ही कम्युनिटी के लोग थे, और इधर उसी कम्युनिटी के 10 लोग थे, तो 1000 लोग इधर जाएंगे और ये दूसरे कम्युनिटी के इधर ज़्यादा थे, इधर केम कम थे, तो डिफ्यूजन की वजह से जो पोटेंशियल बैरियर बनेगा वो वीबी कहलाती है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ये इंक्रीज द पोटेंशियल बैरियर। देखो पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होगा या नहीं होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड करेगा, तो ये जो है इसकी वजह से, ये अभी बैटरी कनेक्ट नहीं हुआ भाई, तो बैटरी कनेक्ट नहीं हुआ तो ये प्लस है माइनस, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसको मैं ई आई से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन जब बैटरी कनेक्ट करोगे, यहाँ से बैटरी कनेक्ट कर दोगे, तो जो बैटरी कनेक्ट करोगे फॉरवर्ड बैच में कनेक्ट करोगे, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो एक ये तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड था और एक बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी इलेक्ट्रिक बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, तो बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी प्लस से माइनस, तो दैट इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेंट हो जाता है और माइनस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कुल मिला के जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज हो गया। तो अगर लगाने के बाद जो बैरियर पोटेंशियल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा तो नेट पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, और नेट पोटेंशियल डिक्रीज है तो वी इज इक्वल टू होता है ई डी, ऐसे भी याद कर सकते हो। नेट फील्ड क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, तो नेट पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाता है और डिप्लीशन लेयर भी कम ही हो जाता है, ये तीनों कम हो जाते हैं, तो पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हो जाता है। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत कर दिया, समझा दिया मैं आपको, क्योंकि थोड़ा सा डाउट होता है बच्चों को ये, तो ये भी एक इंक्रीज द पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस द डिप्लीशन लेयर। तो पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज नहीं होती है, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज होती है। तो एप्लीकेशन ऑफ फॉरवर्ड बैच टू एप्लीकेशन ऑफ फॉरवर्ड बैच टू एन जंक्शन ये इंक्रीज द पोटेंशियल बैरियर, तो ये गलत है। इंक्रीज द नंबर ऑफ डोनर टू द एन साइड। अब यार फॉरवर्ड बायसिंग से डोनर या एक्सेप्टर थोड़ी चार्ज कैरियर थोड़ी चेंज होंगे, तो ये गलत है। डिक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन लेयर, वाह यही तो सही है, डिक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि ये ऐसे है। चलो
इन ए सेमी कंडक्टर एट ए रूम टेम्परेचर, अगर रूम टेम्परेचर पे कोई सेमी कंडक्टर है प्यारे बच्चों, तो उसकी बैंड थियरी के हिसाब से, बैलेंस बैंड और